एक्स्ट्रा 9 न्यूज़ और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम करते हैं बातें टीवी टाउन से लेकर बॉलीवुड, देश दुनिया भर की। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके बीच लेकर आए हैं छोटे पर्दे की दुनिया से जुड़ी एक ऐसे सीरियल को, जिसमें कहानी बड़ी ही रोमांटिक है, बड़ी ही इमोशनल है, बड़ी ही रिवेंजफुल है, हेटफुल है, लवफुल है, केमिस्ट्री लव ट्राइंगल की है। अभी कुछ महीने पहले ऑन एयर हुए उस शो की हम बात कर रहे हैं, जो कि कलर्स चैनल पर हर रात टेलीकास्ट होता है, सोमवार से शुक्रवार तक, वीकली 5 डेज, जिसमें आपको दिखाई देता होगा वो लव ट्राइंगल, जिसमें कहानी दो बहनों की है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शो की जिसमें बेगम बनने की लड़ाई है एक दूसरे से दो प्यार करने वालों की। हम बात कर रहे हैं दो पंछियों की, प्यार के पंछियों के बीच आए एक अनजान पंछी की। अब तक समझ गए होंगे आप, हम बात कर रहे हैं किसी और नहीं बल्कि सीरियल बहु बेगम के बारे में। सीरियल बहु बेगम कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला एक ऐसा शो है जिसमें अरिजीत तनेजा लीड एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। उनके साथ दो एक्ट्रेसेस हैं और दोनों को उनके बिल्कुल ओपोजिट बेहतर ढंग से प्रेजेंट किया गया है। शो में अरिजीत तनेजा आजान के किरदार में है, जो कि प्यार के मझधार में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें ना तो अपने प्यार के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ, अपनी लेडी लव के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है और ना ही शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल तरीके से आगे बढ़ाने का मौका मिल पा रहा है। सीरियल बहु बेगम में फिलहाल शायरा को लेकर कहानी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब शायरा पर अटैक को लेकर जो खबर आई है, हम आपको रूबरू उसी से कराएंगे। शायरा और नूर जो एक दूसरे के खिलाफ है, शायरा जो आजान से प्यार करती है, लेकिन आजान और शायरा को एक नहीं देख पा रही है नूर, जो कि अपने हक की लड़ाई करने लगी है। अब यहाँ पर नूर कैसे फंसेगी, यहाँ पर शायरा कैसी मुसीबत में फंसने वाली है, कैसे उसके मर्डर का प्लान किया जा रहा है, इसके लिए हम आपके बीच ये प्रोग्राम लाए हैं। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपनी रिपोर्ट की तरफ, खास रिपोर्ट में जानते हैं शायरा को लेकर अब कौन सा हादसा शो में दिखाया जाएगा, वो एक्सीडेंट जिसकी वजह से शायरा होगी परेशान। वेल, आप भी जानते हैं कि सीरियल बहु बेगम के एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि शायरा जो है एक बार फिर से पूरी तरह से फंस जाएगी। सायरा और नूर के बीच जो लड़ाई है, उस लड़ाई का अंत ही नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही शख्स को चाहते हैं, वो है आजान, और आजान के लिए फिलहाल जो है शायरा ही उसकी अपनी मोहब्बत है। फिर चाहे लाख कोशिश कर ले, आपके बीच नूर और शायरा आजान के बीच प्यार भरे रिश्ते का आने का। आपने बीते एपिसोड्स में देखा होगा कि शायरा और आजान एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, और आजान जो है वहां पर नूर को पूरी तरह से परेशान कर देता है। आजान और शायरा प्यार भरी बात एक काफी ज्यादा खूबसूरती से करते हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि नूर जो है शायरा को पूरी तरह से घर से बाहर करने की तैयारी कर ली। यहाँ पर आप देखेंगे कि शो में जो है शायरा जो है पूरी तरह से नूर के खिलाफ होगी, क्योंकि आजान की यहाँ पर बात है। शायरा और नूर को लेकर पूरी तरह से आजान भी परेशान हो जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे आप, काफी ज्यादा आजान शायरा के पास पहुंचेगा और उसके डर के बारे में पूछेगा, क्यों डरी हुई है। शायरा यहाँ पर इंसल्ट के बारे में नायरा नूर के सामने आएगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर शायरा को परेशान करने की कोशिश की जाएगी। शायरा एक बार फिर से अपनी जान को जोखिम में जाने अनजाने में फंसता हुआ देखेगी। इस बार शायरा की जान एक बार फिर से मुसीबत में पड़ने वाली है, क्योंकि एक बड़ा हादसा शो में होने वाला है। जी हाँ, शो में काफी ज्यादा ड्रामा होने वाला है। शो में शायरा के पीछे उसे मौत के मुंह पर ले जाने के लिए एक मास्क मैन आएगा, और इसे नूर का नाम दिया जा रहा है। नूर है जो शायरा को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होगी, ऐसा ही कुछ दिखाया जाएगा शो के आने वाले एपिसोड में। वेल, तो देखा आपने, जाना आपने आपकी फेवरेट शायरा के बारे में। शायरा पर मुसीबत, आफत टूटने वाली है, और शायरा इस बार कैसे खुद को संभालेगी, ये तो शो की आने वाले एपिसोड्स के 10 साथ देखना होगा।
नूर के हेयरफुल ड्रामे को तो झेल ही रही है शायरा, लेकिन साथ ही साथ आजान को समझाने में भी शायरा काफी परेशान है। अब बीते एपिसोड्स में तो देखा ही होगा आपने, शायरा आजान का प्यार कम नहीं हो रहा, लेकिन ये प्यार का सिलसिला किस तरह से आगे मुश्किलों में फंसने वाला है और क्या क्या नया होने वाला है शो में, ये भी हम जानेंगे सीरियल बाहू बेगम के अपकमिंग एपिसोड्स के जरिए। नूर की खतरनाक साजिशें कैसे शायरा और आसान को एक दूसरे से पूरी तरह से दूर कर उनके रास्ते को अलग करने वाली है। यहां पर नूर की जिद के आगे कैसे झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी शायरा, प्योर हार्टेड शायरा को आखिर क्यों यहां पर नूर के जिद के आगे हार मानना ही पड़ेगा, और किस तरह से शो की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर बेगम होने की लड़ाई में कौन जीत की बाजी मारेगा, ये सब आने वाले एपिसोड्स के साथ देखना होगा। तो आगे की रिपोर्ट में शो को लेकर कुछ और भी खास रिपोर्ट हम जानते हैं, जिसमें कहानी क्या कौन सा मोड लेने वाली है, देखिए खास रिपोर्ट। तो शो में एक बड़ा हादसा होगा ये हम आपको बता ही देंगे, वहीं आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि शो में शायरा को पूरी तरह से जान से मारने के लिए हमला उस पर किया जाएगा और नूर की खतरनाक साजिश का नाम इसे दिया जाएगा, लेकिन नूर का ही इसमें बड़ा हाथ है या फिर यहाँ पर हाथ किसी और का है, शायरा को मौत के मुंह पर ले जाने के लिए ये ड्रामा आने वाला है शो के आने वाले एपिसोड्स में, और शायरा नहीं समझ पाएगी कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है उसके साथ। सीरियल बहू बेगम में पूरी तरह से आजान और शायरा के बीच एक नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि नूर फैज जो है आजान के साथ शादी रचाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए शायरा को हमेशा के लिए आजान से दूर कर देना चाहती है। आजान वापस घर आ जाए नूर से शादी करने के बाद वो पूरी तरह से शायरा के साथ किए गए वादे को निभाने के लिए तो तैयार हुआ, लेकिन यहाँ पर शायरा के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए आजान नूर की खतरनाक साजिशों का अंत कैसे करेगा ये देखना होगा। जिस तरह से नूर जो है यहाँ पर पूरी तरह से आजान को पाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर कहानी इस तरह नहीं रुकने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर रोमांटिक मोमेंट्स कपल्स के बीच दिखाए जाएंगे और आजान और नूर जो है यहाँ पर एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे, लेकिन शायरा की जान पर हमला आजान को फिर परेशान करेगा, तो क्या नूर यहाँ आजान को अपना बना पाएगी, ये सब देखना सीरियल के अपकमिंग एपिसोड्स में काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों जाना आपने सीरियल बाहु बेगम के अपकमिंग एपिसोड्स को लेकर जो नई रिपोर्ट्स आई है उसमें कहानी अब शायरा की जिंदगी पर एक और नई मुसीबत को लेकर है। शायरा के पास खुश होने का वक्त होता है कब, और दुख की घड़ी उसकी जिंदगी में एक के बाद एक आ जाती है। सच्चा प्यार आजान से करने वाली शायरा आजान के साथ नहीं रह पा रही है, और यही कारण है कि शायरा को आजान से दूरी बनाकर भी शायरा को आजान से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ने में नाकामी मिली, क्योंकि किस्मत ने दोनों को एक कर रखा है। लेकिन यहाँ नूर कैसे शायरा आजान को अलग करेगी, अब कैसे यहाँ पर शायरा के सच्चे प्यार के आगे नूर की ताकत जीत के मुकाम तक पहुंचेगी, क्या होगा सीरियल बाहू बेगम की अपकमिंग एपिसोड्स में, ये सारे कहानी के ड्रामे के साथ देखना होगा दिलचस्प। शो में क्या नया होने वाला है ये सब देखना होगा दिलचस्प, क्योंकि शो में आजान और शायरा की ये कहानी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर दुश्मन एक नहीं है आजान के, एक नहीं है शायरा के, दुश्मनों का यहाँ पर लाइन लगने वाला है, तांता लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शायरा को अभी अपनी मोहब्बत को संभालने में काफ़ी ज़्यादा समझदारी से अपना कदम बढ़ाना होगा, लेकिन आजान अपनी शायरा को खुद से दूर जाने से कैसे रोकेगा, कैसे नूर की अकल को ठिकाने लाने के लिए आजान दोस्ती निभाएगा, कैसे अपनी मोहब्बत को अपने करीब लाकर रखेगा, ये सारा बाहु बेगम के अपकमिंग एपिसोड्स में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। बोल तो देखते हैं शो में अब किस तरह से ये लव ट्राइंगल लव एंगल में तब्दील होता है। अभी के लिए आपसे यही लेंगे इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज, जल्द लौटेंगे ऐसे ही टीवी टाउन के फेमस शो को लेकर नई रिपोर्ट्स के साथ, नई खबरों के साथ। नमस्कार।